आपको एक छोटे मशीन से अवगत कराने वाला हूं जिससे आप 2000 रुपए पर डे की इनकम कर सकते हैं और काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मशीन से आप 2000 रुपए पर डे मात्र 8 घंटा काम करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, 2000 रुपए की कमाई कर सकते हैं पर डे। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ यहां से जैकी जी हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर हमारे दर्शकों को यह बताएं कि यह मशीन कितने की पड़ती है और कैसे हमारे दर्शक 2000 रुपए पर डे का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं 20000 रुपए की मात्र मशीन है। ओके। और आप कोई भी बंदा अगर फ्रेशर भी अगर इसको 8 घंटे यूज करता है तो 200 जोड़ी चप्पल तैयार कर सकता है। ठीक है। इसमें मार्केट जो तुम्हारे घर पे प्रोडक्ट तैयार होगा 24 से 25 रुपए में तैयार होता है। ओके। अगर आप उसको मार्केट में सेल करते हैं 10 रुपए का मार्जिन भी रख के सेल करते हैं तो कोई 35-40 रुपए का मार्जिन बेचेंगे आप मार्केट में, 35-40 में आप उसको सेल करेंगे तो हिसाब से 10 रुपए का आपने मार्जिन रखा, 200 जोड़ी चप्पल 8 घंटे में तैयार कर रहे हैं, 2000 का प्रॉफिट वैसे निकल के आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि 65 रुपए 70 रुपए 80 रुपए और 100 रुपए में रिटेल में आपको चप्पलें मिलती हैं और इन चप्पलों की कॉस्ट क्या आती है डिपेंड करता है उसका रॉ मटेरियल कैसा यूज किया गया उसके हिसाब से चप्पल की प्राइस मार्केट में होती है। सर अगर इसके रॉ मटेरियल की बात करें पहले सबसे पहले बात करते हैं कि यह मशीन आपने बताया 20000 रुपए में मुझे इस मशीन के अलावा ये जो सामने दिख रही है इसके अलावा और कुछ मिलने वाला है। सर इस मशीन के साथ ये मैनुअल एक सॉल कटिंग मशीन होगी। ओके। दूसरा आप में एक जो बड़ी मशीन आप में ऑटोमेटिक की वीडियो बनाई हुई है वैसे जो स्ट्रैप डालने आ जाते हैं पैर वाली तो इसमें क्या मैनुअली एक स्ट्रैप हुक दिया जाता है कि बद्दी डालने के काम में आता है। ओके। और आपने वो उसमें वैसी सेम ग्राइंडिंग मशीन आती है जो फिनिशिंग करते हैं। ओके। वैसा ही सेम इसमें भी ग्राइंडिंग मशीन का सेटअप साथ में है, मतलब कहने का पूरा सेटअप है डाई छोड़ के। ओके। तो दोस्तों इस मशीन के साथ में आपको ग्राइंडिंग मशीन भी मिलेगी और साथ में आपको वो होल जो है उसको शेप में लाने के लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है वो भी मिलने वाला है। सब कुछ मैं दिखाने वाला हूं आपको विस्तार से। लेकिन यहां पर सर से कुछ और बेसिक चीजें जानते हैं। सर इसमें जो सीट यूज की जाती है चप्पल बनाने के लिए तो वो सीट कितने की आती है मार्केट में? सर सीट के ऊपर क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसी सीट यूज कर रहे हैं। राइट। 450 से सीट स्टार्ट होती है। 450 से जी 1600 रुपए तक की सीट आती है। ठीक है सर। और हर सीट के अंदर 32 पेयर निकलते हैं जो कि हमारी लगभग कोई 14-15 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। ओके। शॉल नीचे का और स्ट्रैप प्लस मिला के कोई 17-18 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। तो दोस्तों जैसा ही आप रॉ मटेरियल यूज करेंगे उसके हिसाब से आपके चप्पल की प्राइस जाने वाली है जो कि जैसा कि सर ने बताया 16-17-18 रुपए तक में आपको पड़ने वाली है और 10 रुपए मार्जिन रख के आप मार्केट में इजीली उसको सेल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सर के साथ कैसे चप्पल बनाते हैं ये सारी प्रोसेस। तो दोस्तों सबसे पहले रॉ मटेरियल में जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये शीट यूज की जाती है और इसके साथ में ये जो देख रहे हैं आप ये डाई यूज होते हैं, मतलब जैसी डाई होगी उस हिसाब से आप चप्पल का साइज बना सकते हैं। डिपेंड करता है ये डाई का साइज कौन सा है, चप्पल की अलग अलग साइज के लिए अलग अलग डाई को यूज किया जाता है। तो सीट पे वो डाई को रख दिया जाता है और अगला प्रोसेस इस मशीन का होता है। सीट पे डाई को रखने के बाद में ये सीट को यहाँ पे अंदर इस मशीन में डाल दिया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की कोई जरूरत नहीं है, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करता है, मैनुअल मशीन है। सीट पे डाई को रखने के बाद में यहाँ से पंच कर दिया जाता है हाथों से और पंच करने के बाद ये स्लीपर आपका पूरी शेप में कट के तैयार हो जाता है साइज के अकॉर्डिंग। जैसा कि सर के हाथों में आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से स्लीपर कट के रेडी हो चुका है और इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट भी बन चुके हैं, मतलब जहाँ पे आपने स्ट्रिप लगाना है इसको कई भाषा में कहीं फीता कहते हैं कहीं बद्दी कहते हैं तो ये जगह बन चुकी है। अब इसके बाद अगली प्रोसेस आती है ड्रिलिंग मशीन से, यहाँ पे ड्रिल किया जाता है होल को थोड़ा सा शेप में लाया जाता है और यहाँ पे जो फीते का यहाँ पे गोल आकार देखते हैं जहाँ पे फीता फंसता है वो भी आकार उसी मशीन से दिया जाता है। इसके बाद में इसकी रबिंग होती है, सारा प्रोसेस हम देखते हैं। आइए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्लीपर कटने के बाद में इसमें इसके होल को थोड़ा सा बड़ा और शेप में करना होता है तो इस मशीन के थ्रू हम इस होल को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं अंकित जी यहाँ पे इस होल को बड़ा करने के लिए यहाँ पे लगा रहे हैं
काफ़ी इजी प्रोसेस है, यहाँ से आप इस होल को सेव कर सकते हैं। अब मशीन के दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर रबिंग के लिए दिया गया है, यहाँ पर रब करके उसको फिनिशिंग दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा आकार दे सकते हैं। मतलब जो रूखापन था कटिंग के बाद वो एकदम स्मूथ हो जाता है, ये चप्पल को यहाँ से स्मूथ बना देता है। और इस स्मूथनेस के बाद अब बारी आती है लास्ट, आप इसमें स्ट्रिप लगाते हैं। दोस्तों क्रिएटिविटी की बात करें तो अगर आपको क्रिएटिविटी में बिलीव है और आप करना जानते हैं तो आप इस पर अच्छी सी प्रिंटिंग करके इस चप्पल की कॉस्ट और भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि अच्छी मार्जिन कमा सकते हैं, जो कि मैंने बताया था कि 2000 रुपये कम से कम रोज आप कमा सकते हैं, आप उससे भी ज़्यादा की इनकम कर सकते हैं। तो जैसे कि अंकित जी अब हमें दिखा रहे हैं, आपको मैं नज़दीक से दिखाऊं तो ये चप्पल रब होने के बाद में काफ़ी स्मूथ हो गया है, ये आप देख रहे हैं। अब इसमें सिर्फ स्ट्रिप, बद्दी या फीता जो भी आप कह लें वो लगाने की जरूरत होती है। दोस्तों अंकित जी के हाथ में ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये टेबल पे या किसी भी जगह पे आप इसको सेट कर सकते हैं, इसी के थ्रू ही हम फीता कह लें, बद्दी कह लें, जो भी है इसे हम लगाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ये सेट करके दिखा रहे हैं, ये एक अलग दोना मेकिंग मशीन है, इस पे ही ये सेट कर रहे हैं, मतलब आप कहीं पे भी इसको सेट कर सकते हैं, काफ़ी इजी प्रोसेस है। यहाँ पे लगाने के बाद में इसमें इस चप्पल को लगाना होता है और ये फीता यहाँ पे लगा दिया जाता है। यहाँ पे लगाने के बाद में आप प्रेस करके ऊपर की तरफ पुल कर लेंगे और ये फीता यहाँ पे लग जाता है। जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी ईजी प्रोसेस है और काफ़ी ईजीली इन्होंने दो फीता लगा दिया है, मतलब दो जगह इन्होंने फीता को फंसा दिया है। तो अब तीसरा और आखिरी इन्होंने फीता यहाँ पे इस मशीन के सहायता से लगा दिया है और अब ये स्लीपर पूरी तरह से बन के रेडी हो गया है। आपने देखा कितना ईजी प्रोसेस है और कितनी आसानी से और बहुत ही जल्द ये चप्पल बन के तैयार हो गया है, अब ये फिनिशिंग के साथ मार्केट में जाने के लिए रेडी है। तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से ये स्लीपर बन के तैयार हो जाते हैं, बहुत ही आसान प्रोसेस है, इसमें किसी भी तरह के कौशल की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के नॉलेज की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कोई भी एक आम इंसान ये स्लीपर आसानी से इस मशीन के सहायता से बना सकता है। सबसे खास बात यह है इस मशीन की कि ये मशीन मार्केट में मिलने वाली और बड़ी बड़ी मशीनों से सस्ती है, यानी कि आप कम इन्वेस्टमेंट पे ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की रिस्क नहीं है क्योंकि आप मिनिमम इन्वेस्ट करते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपको एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस दे सकूं। तो मिलते हैं किसी यूनिक आइडिया और नए प्रोडक्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।